समस्या क्या है, जिस उम्र में करियर बनाना है ससुरा उसी उम्र में दिल लग जाता है। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष गाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपको अपने मंजिल तक पहुँचाएगी। जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। आप किसी भी काम को अगर लगातार 21 दिन करते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाती है, और अगर किसी काम को लगातार 90 दिन कर देते हैं तो फिर वो आपकी दिनचर्या बन जाती है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप अच्छे काम को करना चाहते हैं या गलत काम। एक चीज है, संगत का बहुत अच्छा असर पड़ता है। इस चीज को हमेशा संगति का मतलब लोग हल्के में ले लेते हैं। संगति का मतलब होता है संग संग गति। तो अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो संग संग अच्छी गति होती जाएगी, खराब में रहेंगे तो ये भी होता है। समय और समझदारी दोनों बड़े अलग अलग चीज है, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। जब समय रहता है तो समझदारी नहीं रहती है, जब समझदारी आती है तो समय निकल जाता है। शिक्षक यही काम करता है कि समय रहते अपने एक समझदारी विकसित कर देता है, और आपको यह हुनर सिखाता है कि आप दुनिया को करके दिखाइए, क्योंकि दुनिया सुनना नहीं देखना पसंद करती है कि आपने क्या किया। जब हम फेल होते थे ना तो मेरी मम्मी हौसला बढ़ाती रहती थी, कहती थी दुनिया तुम बहुत आगे जाएगा। हम कहते थे टीचर लोग कहते हैं कि तुम धब्बा हो, तो उनका कहना था टीचर लोग क्या जानेंगे तुमको, हम तुमको ज्यादा जानते हैं, पूरी दुनिया की तुलना में हम तुमको 9 महीना पहले से जानते हैं। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए त्यागी, और किसी चीज को साइड करना बहादुरी नहीं है, उसे बता के कि तुमको साइड करना है, साइड करना ये बहादुरी। कि भाई देखो तुम करियर के बीच में आओगे तो हम डिस्टर्ब कर देंगे, ये लक्ष्मण रेखा इसको क्रॉस मत करना वरना तुम्हारी लंका लगा देंगे। एक चीज बहुत मायने रखता है कि टाइम पर, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो दोबारा समय देगा। वाह ठीक बात है, इसलिए टाइम बहुत मायने रखता है। वक्त नहीं लगाना चाहिए निर्धारित करने में हमें क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा। आप कब पास होइएगा ये कभी मत सोचिए, ये सोचिए कि हम फेल नहीं होंगे। फेल होने का पहला लक्षण अभी से याद रखिएगा, इसमें से कितने ऐसे लड़के हैं जो किसी चीज को कल पर टाल देते हैं, बाद में करें। ईमानदारी से ये फर्स्ट लक्षण है फेल होने का। आप इस चीज को सुधारिए, और नहीं तो आप हमसे एगो स्टैम्प पेपर पे लिखवा लीजिए कि आपका रिजल्ट नहीं होगा, गारंटी देते हैं नहीं होगा। अगर आप इस आदत को नहीं सुधारते, अगर किसी चीज आज हिस्ट्री पढ़ाए हैं, आप मोबाइल चलाइए, हम कहते हैं आप 8 घंटा मोबाइल चलाइए, 8 घंटा, लेकिन हाँ उस 8 घंटा के बाद वो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आप किताब क्या खुला छोड़ देते हैं, तो मोबाइल यूज करने के मोबाइल खुला क्यों छोड़ते हैं, बंद कर दीजिए। जो भी आगे गया है कोई शॉर्टकट नहीं हुआ है, आगे जाकर सब अपने मेहनत पे गया है। और जो भी लोग सक्सेस हुए हैं उनकी बातों को सुनिएगा, क्योंकि सक्सेसफुल बातें, जो लोग सक्सेस हो जाते हैं वो कोई डायलॉग नहीं बोलते हैं, वो अपनी जिंदगी का अनुभव बोलते हैं। सड़क पे पड़े कितने भी कंकड़ हो आपके कदम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा कंकड़ आपके जूता के अंदर चला गया ना तो एक कदम आगे नहीं बढ़ने देता है। इसलिए समाज में कितना भी खटर पटर हो आपको विकास कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन आपके अपने परिवार में कभी माँ बाप में झगड़ा हो जाएगा, चाचा से हो जाएगा, भाई बहन में हो जाएगा, आपका घर का विकास कभी नहीं हो सकता। और ये हिंदुस्तान के लगभग 50% घर की समस्या है। तो होता है कई बार ऐसा समय आएगा कि लगेगा जैसे अब कुछ नहीं हो सकता है, तो इसे घबराना नहीं है। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। ये दुख ये दर्द ये सब तेरे अंदर है, तू अपने बनाए इस पिजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का UPSC, उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर दिए। ऐसे हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए। हम कहे बाबू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं, क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है।
एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी और वो बालू भरता था, उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पर। अगर जिस दिन अपनी रॉयल्टी देखनी है, अपनी औकात देखनी है, बहुत कड़ा वर्ड का यूज कर रहे हैं, अपनी औकात देखनी है, तो अपने पिताजी का पैसा इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। शाम तक आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। आप अपना पेट नहीं पाल सकते हैं, प्यार करने निकले।